स्टूडेंट्स, हमने इस प्रीवियस लेक्चर में लॉगरिथम देखा था और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नेस्ट इक्वेशन ड्राइव किया था एक कंप्लीट सेल के लिए और हाफ सेल के लिए। अब देखने जा रहे हैं कि अगर हमारा सेल जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो वहां पर नेस्ट इक्वेशन क्या कहता है। तो आइए हम देखने जा रहे हैं नेस्ट इक्वेशन व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम। हमारा सेल जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा, कब आएगा तो आइए कुछ देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे हमने क्या किया, एक हाफ सेल तैयार किया, इसमें हमने एक मेटल का रॉड ले लिया, एम नाम का हमने इसमें मेटल ले लिया, एम नाम का कोई भी मेटल, जो मेटल है उसी का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर एम नाम का मेटल है तो सॉल्यूशन होगा तो क्या बनाएगा, तो सॉल्यूशन अगर है एम नाम का तो मैंने ले लिया जैसे MSF1, M2SO4 का होल X, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, ये 2 इसके पास, M कौन सा मेटल है नहीं पता तो इसकी वैलेंसी को X माना तो फॉर्मूला बन गया M2SO4 का X। यानी मेटल का मेटल M है तो सॉल्यूशन में M किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो M प्लस N के फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसे हमने किसी वायर से जोड़ दिया है और हम जोड़ के इस पर दोनों का प्रोसेस करवाएंगे, ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन का। तो चलिए ये हमने सॉल्यूशन लिया, ये हमारा सेल हुआ। आइए इसमें हम क्या देखते हैं, हमने देखा क्या कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो चलिए ऑक्सीडेशन करवाते हैं। हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो मेटल होगा, यानी जो मेटल होगा एम सॉलिड से क्या करेगा, ये मेटल जैसे जैसे घुलेगा इसमें डिसोसिएट होगा, घुलेगा, घुलने के बाद एम प्लस एन में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो एम प्लस एन एक्वस में घुल जाएगा और एन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। क्यों एन इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि ये एन पॉजिटिव चार्ज में टूटा है, इसका मतलब एन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन करवा दे तो, अगर हम रिडक्शन रिएक्शन करवा दे तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी रिएक्शन का जस्ट अपोजिट साइड, यानी एम प्लस एन एक्वस में है, एन इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, अब एन ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो एम सॉलिड। ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन, ये कौन सा है, रिडक्शन। कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद हमने क्या देखा, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन। कुछ समय बाद हमने क्या देखा कि जिस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन, जिस तरह से ऑक्सीडेशन का रेट हो रहा था उसी हिसाब से रेट किसका हो गया, तो रिडक्शन का भी। दैट इज आप ये कह सकते हैं क्या, दैट इज इक्विलिब्रियम में कब आएगा, तो जब हमने मेटल सॉलिड लिया और इसको कन्वर्ट करा दिया किस में, तो एम प्लस एन एक्वस में, और एन इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया, जब ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन उसी समय ठीक रिवर्स प्रोसेस भी होना शुरू कर दिया कुछ ऐसे। और ये होने से हमने क्या कह दिया, ये होने से हमने कह दिया कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो इज इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन। और जैसे ही ये जब आने जाने का रेट इक्वल हो गया तो इस स्टेट को हमने क्या कह दिया, ये स्टेट हमारी कौन सी कहलाती है, स्टेट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का ये स्टेट कहलाता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो कहा गया कि जब हमारा सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब जब दो सेल को लेकर जोड़ेंगे और दोनों जब मेटल का रोड, दोनों मेटल जब सेम हो जाएगा या ये किसी तरह से दोनों मेटल के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों सेम रिएक्टिविटी का जब मेटल ले लेंगे तो कहता है कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा नहीं, और पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का डिफरेंस नहीं मिलेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा सेल क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में चला आएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कहता है कि सेल जो है वो पोटेंशियल उसका क्या माना जाता है, तो जीरो माइनस। जब सेल हमारे किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, तो सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चार्ज का डिफरेंस रह ही नहीं गया।
जब दोनों मेटल के बीच आप चार्ज का डिफरेंस रखते हैं तभी तो धक्का लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक तरफ से दूसरी तरफ। जब दोनों तरफ का चार्ज पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा तो उनके बीच का कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, चार्ज का डिफरेंस नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैसे? नहीं करेगा। इसलिए उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि हमारा सेल जो होता है वो क्या हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या होंगे, तो पहला पॉइंट कि सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, देखते हो उसे नोट में पॉइंट करके आइए। जब सेल हमारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो हमने कहा नोट में कि व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन सेल पोटेंशियल या इसी को ईएमएफ ऑफ सेल यानी सेल पोटेंशियल ये इज इक्वल टू जीरो, यानी सेल का पोटेंशियल क्या है, जीरो। और जब सेल का पोटेंशियल जीरो हो गया इसका मतलब सेल हमारा वर्क नहीं कर रहा है। एक और खास बात कि जब सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है यानी ये देखिए कि जब ये दो सेल है, दोनों का मेटल है और दोनों सॉल्यूशन में डिप्ट है, दोनों को हमने जोड़ दिया। सोचिए जब दोनों में इन दोनों मेटल के बीच रिएक्टिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, तो कहता है कि ये चार्ज जाएगा ही नहीं। या फिर मेटल दोनों सेम ले लेते हैं तो सेम रिएक्टिविटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस रफ्तार से जाएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का रेट बराबर। तो कहता है आने का और जाने का रेट जब हो जाएगा बराबर, तो इस केस में जब ये मेटल जितनी रफ्तार से घूलेगा उतनी रफ्तार से मेटल का डिपोजिशन होगा। तो कहता है जिस रफ्तार से ये दोनों काम हो रहा होगा, इधर से मेटल घुल रहा है उधर मेटल इकट्ठा हो रहा है, तो इस केस में कहता है कि इस जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कहता है इसका जो कंसंट्रेशन है दोनों सेल का वो क्या जाता है, फिक्स हो जाता है। यानी इसके कंसंट्रेशन में भी ना डिक्रीजमेंट होगा ना इंक्रीजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का आने जाने का रेट इक्वल है, जिस रफ्तार से जा रहे उसी रफ्तार से आ भी रहे। इसलिए इसके सॉल्यूशन में कहता है कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। एंड ये सेकंड पॉइंट इसी में देख लेते हैं हम, जीरो एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is also constant, वो भी क्या हो जाएगा, तो constant हो जाएगा, जिसको हमने क्या माना तो K और concentration है तो हमने माना C, तो उसको क्या कह देंगे तो K से। तो आइए जब इस situation में हो जाएगा equilibrium में तो फिर next equation क्या कहते हैं, now for next equation an equation, वो क्या कहता है next equation, कहता है कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.05591 अपॉन एन लॉग और क्यू यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट, और रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ किसका प्रोडक्ट डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ किसका रिएक्टेंट। ये नेक्स्ट इक्वेशन है, इसी में हमें इक्विलिब्रियम की अवस्था को बनाना है। अब आपने कहा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सेल का पोटेंशियल क्या हो जाता है, तो जीरो हमने रख दिया। यहाँ हमने रखा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये वैल्यू है 0.0591 अपॉन में n, या लॉग, और आपने कहा कि ये कौन कंसंट्रेशन जो है ये क्या हो जाता है तो कॉन्स्टेंट, तो हमने इन दोनों के बदले क्या रखा तो Kc, तो ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो इसी को मैं यहाँ ड्राइव करके लिख देता हूँ। अब बताइए, अब ये तो जीरो हो चुका है तो अब सेल का पोटेंशियल नहीं, अब डिफाइन होगा सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, ये सारा वैल्यू मल्टीप्लाई है और ये सब माइनस में है, तो ये उठ के उधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो हमारा निकलेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ये सारा वैल्यू 0.0591 अपॉन n, यहाँ लॉग और ये आ गया Kc। तो ये इक्वेशन बना, ये हमारा इक्वेशन बना, या इसे आप कहो कि ये हमारा एक फॉर्मूला बना। किसके लिए? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब सेल हमारा किस में आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा।
आइए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हैं। आइए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.2 कहता है कि एक आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी फाइंड आउट करना है, रिएक्शन ये रहा। चलिए सॉल्यूशन में हम क्या जानते हैं, हम कह सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन कहता है एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जो कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए निकाला था, तो वो कितना आया था, तो वो आया था केसी। तो ये हमारे पास नस्ट इक्वेशन है किसके लिए, तो इक्विलिब्रियम में सेल होगा तब। तो वैल्यू में रखते हैं, चलिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो गिवन है 0.46, हमने इसका वैल्यू रख दिया 0.46। ये वैल्यू है 0.0591 अपॉन एन, यहाँ लॉग और ये केसी। चलिए हम क्या करते हैं, हम हाँ यहाँ पे एन है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब बताया था कि रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर 0 से +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। 1 सिल्वर 1+ का लॉस कर रहा है, 2 सिल्वर मिलकर 2+ का लॉस करेगा, और 2 यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लॉस किया हुआ। फिर यहाँ से ऑक्सीजन स्टेट इसका 0 हो रहा है, कुछ नहीं है चार्ज, तो 0। तो यहाँ पे +2 से 0, इसका मतलब 2 का ये गेन भी कर रहा है। तो इस तरह से 2 का लॉस और 2 का गेन, तो यहाँ जो एन वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो 2। तो हम यहाँ एन का वैल्यू कितना रख देंगे, तो 2। अब हमें निकालना है केसी का वैल्यू। चलिए इन सभी अंक को हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ देखिए 0.46 ये डिवाइड में है इस तरफ मल्टीप्लाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई यानी ये ऊपर है तो इधर आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 0.0591। इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बच जाएगा लॉग केसी। इन वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो लॉग केसी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो 15.6। अब हम करना क्या है, हमें केसी को निकालना है, केसी केसी के साथ ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब अपॉन में आ जाएगा, और फिर इसे हम ऊपर भेजेंगे तो लॉग बन जाएगा एंटी लॉग। यहाँ वैल्यू लिखा जाता है एंटी लॉग 15.6। अब देखिए जैसे लॉग का टेबल देखते थे उसी तरह एंटी लॉग का टेबल देखिए। एंटी लॉग थोड़ा आसान है, क्या करते हैं कैसे पता करेंगे इस एंटी लॉग इतने का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट है, जितने भी अंक है, जो भी अंक दिया हुआ है वो 10 का पावर बन जाता है। जैसे पॉइंट से पहले कितना है 15, तो हम इसको 10 का पावर बना देंगे, 10 का पावर बना देंगे। अगर यहाँ पे 10.6 होता तो 10 का पावर 10 बना देते, अगर 12.6 होता तो 10 का पावर 12 बना देते इनटू। अब हमें लॉग टेबल में पॉइंट के बाद वाले का वैल्यू चेक करना है, तो पॉइंट के बाद 6 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.600। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें लॉगरिथम में कम से कम 2 डिजिट को लेकर वैल्यू देखना पड़ता है, तो 0.60 का 0। तो टेबल आपने जब बनाया था कल लॉगरिथम के लिए, तो इस तरह का टेबल था, यहाँ नंबर्स थे, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक का डिजिट था, और यहाँ 1 से लेकर 9। तो यहाँ पर लॉग एंटी लॉग में पॉइंट से दिया होगा, 0.10 0 30 0 इस तरह से दिया होगा, तो हमने माना कि 0.60 यहाँ पर है, तो 0.60 का 0, तो 0.60 ऊपर से चलेंगे 0, तो ये 0 आया, ये 0.60 आया, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे, और वो वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा हमारे पास एनसीईआरटी का, तो 3.92, मतलब 3.92 या 392 इतना आएगा वैल्यू। अब पॉइंट कहाँ देना है, तो हमेशा 1 डिजिट के बाद यानी पॉइंट देंगे यहाँ, तो ये हमारा बन जाएगा वैल्यू किसका, तो केसी का। इस तरीके से हम एंटी लॉग को देख कर भी पता कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि जब सेल हमारा इक्विलिब्रियम आएगा तो उसके लिए कौन से इक्वेशन लगेंगे, और ये रहा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।